फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। तो एक रेगुलर पॉलीगन है और उस रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट केस में अगर 9 साइड्स हो तो हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन केस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन कितना होता है? इन ए पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। लेकिन वो पॉलीगन अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सारे एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन ए रेगुलर पॉलीगन, इन ए रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मेजर ऑफ ईच रेगुलर कितना हो गया? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना? टोटल कितना होता है? 360। और कितने साइड्स हैं? 9 साइड्स। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 9 इक्वल टू कितना हो गया? 40 डिग्री। उसी तरह सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? मेजर क्या हो जाएगा? मेजर इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय कितने साइड्स हैं? 15 साइड्स हैं। तो 15 इक्वल टू हो गया 24। चूंकि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो नंबर ऑफ साइड्स हम डिवाइड कर देंगे तो मेजर दे देगा ईच एक्सटीरियर एंगल का। तो 40 एंड 24 ये हो गया आपके आंसर।